बाबा साहब को बहुत अच्छे से पढ़ा है तथा गौतम बुद्ध को बहुत अच्छे से पढ़ा है। डॉक्टर साहब आपका ऐसी चीज में स्वागत है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपका एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था देवकी नंदन के ऊपर, आपने एक बात कही थी और उनके बारे में आपने बताया था और देवकी नंदन ने कहा था मैं तो सिर्फ आरक्षण की बात कर रहा हूँ और अभी मुझे कोई ना पार्टी में जाना है ना इलेक्शन लड़ना है, लेकिन उन्होंने यू टर्न मार के दोबारा से बोला है कि मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा, अपना संगठन बनाऊंगा और पूरे क्षेत्र और पूरे देश के अंदर इलेक्शन लड़ूंगा। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? आपसे जब मेरी बात हुई थी उसके बाद कई नेशनल चैनल पे यूट्यूब चैनल पे मैंने देवकी नंदन जी को चुनौती दी थी जी। और सीधा सीधा ये बात रखा था, यूट्यूब पे है आप देख सकते हैं जी, कि भाई जब दलित बहुजन आदिवासी को लगा कि उनके हक जो हैं अधिकार पूरे नहीं हो रहे हैं जी, तो उन्होंने अपनी अपनी पार्टी बनाई, झारखंड मुक्ति पार्टी बनी, राजद बनी, सपा बनी, बसपा बनी, अभी लोकतांत्रिक जनता दल बना है, तमाम दक्षिण भारत में पार्टियां बनी और उन लोगों ने अपने तरीके से अपने मुद्दे को उठाया, विधानसभाओं में संसदों में ले जाकर लेके गए। तो हम लोग लोकशाही में को मानने वाले लोग हैं और लोकशाही में परिवर्तन कैसे होता है? परिवर्तन होता है वोट के द्वारा और वोट होता है इलेक्शन में। तो मैंने चुनौती दी थी कि अगर वाकई आप में इतना दम है तो आप सवर्ण समाज पार्टी बनाइए और उसे क्लियर कट मुद्दे रखिए कि हम SC ST एक्ट का विरोध करेंगे, आरक्षण का विरोध करेंगे और दम है तो चुनाव में आइए। तो मैं उनका स्वागत करता हूँ कि उन्होंने ये अगर निर्णय लिया है, लेकिन अभी भी मुझे संदेह है कि ये प्रेशर टैक्टिक्स कहीं तो नहीं बना रहे हैं। कथावाचक इलेक्शन लड़ने का भी चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है और हर नए लोगों का स्वागत किया जाना चाहिए लोकशाही में। हम लोग कोई तानाशाही तो नहीं है कि हम आ गए दूसरे को नहीं आने देंगे, तो सबका वेलकम है, इधर स्वागत है। लेकिन अभी मुझे देवकी नंदन साहब पे और वैसे लोग जो कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे इन मुद्दों पे, थोड़ा मुझे डाउट है, संदेह है क्योंकि कोई लीला तो नहीं कर रहे हैं कि लीलाबाज लोग हैं, लीलाबाज लोग हैं, तो ऐसा नहीं कोई प्रेशर टैक्टिक्स करके कोई सरकार से डील हो जाए और उनके जो उनके प्रिय पार्टियां हैं उनसे डील हो जाए, क्योंकि पिछले चुनाव में हुआ था, मुझे ये बात पता है, जो भाजपा का चुनाव था 2014 में उसमें ये लीला रची गई थी और खेली गई थी और मुझे कहानी पूरी पता है। तो अगर वो वाकई गंभीरता से मुद्दा लेकर और अपने कथावाचक रूप को त्यागते हुए राजनेता की भूमिका में आते हैं तो उनको शुभकामनाएं, आई विश हिम ऑल द बेस्ट, उनको आए चुनाव लड़े। मैंने आपसे सवाल पूछा था शुभकामनाओं के लिए पूछा था, उसका एक कथावाचक ने जो अपने स्टेटमेंट में कहा था कि मैं सिर्फ कथाएं करूंगा और कोई भी इलेक्शन कर नहीं लड़ूंगा, उसके ऊपर आप बताएं शुभकामनाएं तो आप फोन पे भी दे दीजिएगा, लेकिन आप हमारे न्यूज चैनल वालों को बताएं जो आपकी क्रिया प्रतिक्रिया का जवाब इंतजार कर रहे हैं। उसमें तो सीधी सी बात है कि भाई लोगों का बुद्धि विवेक का विकास होता है, समाज का विकास होता है, उसी तरह इंसान का भी विकास होता है। तो हो सकता है 2 महीना पहले उनकी बुद्धि थोड़ी कम रही हो, अब बुद्धि आ गया हो जी। तो जब बुद्धि आ गया इसलिए तो हम उनको स्वागत कर रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं जी। आप आइए चुनाव मैदान में, जहां से देवकी नंदन जी लड़ेंगे चुनाव खुद जी। उस लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र में मैं उनके खिलाफ जो भी कैंडिडेट लड़ेगा उनके प्रचार में मैं रहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से आज ही कह दे रहा हूँ। अगर देवकी नंदन कहीं से भी चुनाव लड़ते हैं तो उसके अपोजिशन में उसका प्रचार, उसकी कंपेनिंग डॉक्टर रतनलाल करेंगे।